आगरा सुरक्षित लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को अब मैदान में उतार दिया है। आगरा लोकसभा सीट से सुरेश चंद करदम को आगरा लोकसभा सीट फतेह की जिम्मेदारी सौंपी। आज हमारे साथ बात करने के लिए सुरेश चंद करदम जी हैं, उनसे जानते हैं आपको लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया, आगरा लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा सीट से मेरा नाम सुरेश चंद करदम है और अखिलेश जी ने मुझे लोकसभा प्रत्याशी बनाया है और राम जीवन सुमन जी ने मेरे को आशीर्वाद देके चुनाव लड़ने के लिए, और दूसरी बात मैं चुनाव अवश्य जीतूंगा और पूरे दम से चुनाव लड़ूंगा मैं, यही मेरी वो है। आगरा वासियों के सबको मेरे से मेरे ऊपर सबने इच्छा विचार किया है और मेरी समाज ने तो पूरा वोट देने की बिल्कुल वो है, BSP से कट है। बात की जाए आपको प्रत्याशी बनाया है, जाकर समाज से आते हैं, अखिलेश यादव लगातार PDA का नारा दे रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं कितना आपको फ़ायदा मिलेगा लोकसभा चुनाव में? लोकसभा में पूरा फायदा मिलेगा, पूरी यानी समझ लीजिए कि मैं सबसे आगे सबसे बढ़त बना के जीत के आऊँगा। तो आपके राजनीतिक करियर की बात करें, राजनीतिक इतिहास की बात करें, तो आप बसपा से जुड़े रहे हैं, बसपा से आपने चुनाव लड़ा, समाजवादी पार्टी आज प्रत्याशी हैं। बसपा के सन 2000 में चुनाव लड़ा था मैंने मेयर, फिर उसके बाद है ना मैं कुछ दिन के बाद में समाजवादी पार्टी में आ गया था, समाजवादी पार्टी में आया कार्यकर्ता के रूप में चलता रहा, फिर उसके बाद आज मुझे टिकट मिला लोकसभा। आगरा के लिए वो क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे, क्या आपकी तरफ से तैयारी होगी, किन मुद्दों को लेके आप चुनाव के बीच में जाने वाले हैं, लोगों के संवाद करेंगे, क्या प्रमुख मुद्दे हैं जो आगरा के लिए हैं आपकी तरफ से? प्रमुख मुद्दे क्या है ये समझ लीजिए कि काफ़ी चुनावी मुद्दे हैं उनको लेकर सुरेश चंद करदम लोकसभा चुनाव में उतरेंगे, और जिस तरह से अखिलेश यादव ने सुरेश चंद करदम पर भरोसा जताया है, उम्मीद जता रहे हैं कि भरोसे पे खरा उतरेंगे।